इस वीडियो में जहां जहां ये आई बटन आ रहे हैं वहां वहां पर आप क्लिक करके देखेंगे तो आप पाएंगे कि इस पैंथर ने कितना आतंक मचाया, कहां कहां पर आतंक मचाया। तो आई बटन पर क्लिक करें और पुराने वीडियो देखें, और वीडियो इसलिए देखें ताकि आप इसकी प्रकृति को समझ सके, इसकी भयानकता को आप समझ सके कि ये पैंथर कितना खतरनाक है। नमस्कार, मैं लखन सालवी और आप देख रहे हैं डेली राजस्थान। ये खबर राजस्थान के उदयपुर जिले के बड़गांव थाना क्षेत्र की है। पिछले तकरीबन एक महीने से आदमखोर पैंथर ने जाड़ोल, गोगुंदा और बड़गांव क्षेत्र में आतंक मचा रखा है। आज बुधवार को शाम 3 बजे पैंथर ने बड़गांव थाना क्षेत्र के मदार गांव के पास में एक खेत में काम कर रही 2 महिलाओं पर हमला किया, जिसमें एक महिला की मौत हो गई उपचार के दौरान, वहीं एक महिला उपचाररत है महाराणा भोपाल चिकित्सालय में। सिलसिलेवार इस घटना के बारे में आपको बताते चले। ये जो घटना है, अब गोगुंदा मुख्य गांव से तकरीबन 14 किलोमीटर दूर मदार तालाब के पास में हुई है। मदार तालाब बड़ी तालाब के जैसा ही बड़ा तालाब है और मदार ग्राम पंचायत में है। आपको बता दें कि मदार ग्राम पंचायत के राठौड़ों का गुड़ा में 30 सितंबर को पैंथर ने विष्णुगिरी के ऊपर हमला किया था, उनका शिकार किया था, उनकी मौत हो गई थी। उसके बाद 1 अक्टूबर को पास के गांव केलवो का खेड़ा के अंदर कमला कुंवर के ऊपर पैंथर ने हमला किया था और उस हमले में कमला कुंवर की मौत हो गई। उसके बाद से मतलब 2 अक्टूबर से लेके 14 अक्टूबर के बीच में पैंथर ने एक दो जगह पर और हमले करने की कोशिश की थी, लेकिन वो न तो पिंजरे में कैद हो पाया, न ही वन विभाग, पुलिस या और जो तमाम टीमें थी वो कोई उनको पकड़ पाया। कल शाम को मंगलवार रात को राठौड़ों को गुड़ा के पास में पैंथर की हलचल दिखाई दी थी। उसके बाद में प्रशासन ने अलर्ट जारी किया था। आसपास के गांवों में सूचना की गई थी कि सुबह शाम लोग घरों से बाहर नहीं निकले, और आज दिन में भी पंचायती राज विभाग की और वन विभाग की टीमें गांव-गांव जाकर लोगों से समझाइश कर रही थी कि वे अकेले घर से बाहर ना निकले और हथियार या लाठी अपने साथ में जो है लेके जो है खेतों में या जंगल में जाए, अन्यथा ना जाए। तो एक तरफ ये प्रयास किए जा रहे थे, वहीं शाम को 3 बजे एक घटना जो है मदार तालाब के पास में हुई। दरअसल मांगी बाई पत्नी बंसीलाल सेन मदार के हैं और ये इनका खेत जो है मदार तालाब के पास में है। वहां पर जो है ये खेत के अंदर सोयाबीन बो रखी है और वो सोयाबीन की फसल पक चुकी है। ऐसे में उसे काटने के लिए खेत की सिजारी जो चुन्नीलाल गमेती है, उनकी पत्नी केसी बाई और उनका पुत्र गणेश लाल गमेती और गणेश लाल गमेती की पत्नी, मतलब कुल जमा ये 4 लोग जो है खेत में काम कर रहे थे और वो जो है सोयाबीन की फसल को काट रहे थे। इसी दौरान शाम को 3 बजे के करीब पैंथर खेत में आया और उसने एक महिला के ऊपर हमला किया। मांगी बाई को उसने गले में से दबोचा, जिससे मांगी बाई अचेत होकर नीचे गिर गई। वहीं उसने केसी बाई के ऊपर भी हमला किया और केसी बाई भी नीचे गिर गई, उसके शरीर पर भी कई जख्म हो गए। उन दोनों के नीचे गिरने और चिल्लाने से थोड़ी दूरी पर काम कर रही गणेश लाल की पत्नी को पता चला, तो उसने अपने पति को आवाज देकर कहा कि दोनों जो है वो नीचे गिर गई है, उधर क्या हुआ है, वो चिल्लाई। जैसे ही गणेश लाल को ये पता चला, गणेश लाल ने उधर देखा तो पैंथर उसे दिखाई दिया। गणेश लाल ने अपने पास में एक लाठी ली और दौड़ता हुआ पैंथर की तरफ भागा और उसने पैंथर के ऊपर लट से 1-2 वार किए, जिससे जो है पैंथर दोनों महिलाओं को छोड़ के तकरीबन 30 फीट दूर जाके बैठ गया। इधर गणेश लाल घबराया हुआ था, गणेश लाल की पत्नी भी घबराई हुई थी। गणेश लाल की पत्नी दोनों महिलाओं के पास में रुकी, यानी मांगी बाई और केसी बाई के पास में रुकी। वहीं तालाब में तैर रही नाव को किनारे पे लाने के लिए गणेश लाल दौड़ के गया और उसने नाव को खींचकर वो किनारे पे लाया और दोनों महिलाओं को, अपनी माँ को और खेत की मालिक मांगी बाई सेन को उठा के ये दोनों लेके आए नाव में, और नाव में उन दोनों को डालकर उनको तालाब पार करवाया, दूसरे किनारे पे पहुंचे। वहीं इसी दरमियान उसने गांव में फोन कर दिया और एक निजी वाहन बुलाया। उस निजी वाहन में दोनों महिलाओं को डालकर जो है अस्पताल ले जाया गया। MB अस्पताल में उनका उपचार हुआ। क्योंकि पैंथर का सीधा हमला गले पर जो है वो मांगी बाई सेन के किया था, तो उसकी क्रिटिकल स्थिति बनी हुई थी, चिंताजनक स्थिति थी। और देर शाम को पता चला, कविता के पूर्व सरपंच देवीलाल पालीवाल ने बताया कि उपचार के दौरान मांगी बाई सेन की मौत हो गई है। मारा नाम गणेश है। क्या हुआ था? गणेश पिता, हमारे पिताजी नाम सुनीलाल जी, बाकी मेरे मम्मी केसी भाई। क्या हुआ?
बाकी मतलब तलारे पहले पड़े ये काटने के लिए सोयाबीन वही रह जाए सोयाबीन मारे मम्मी ने ये भाई ने बड़ा बड़ी काट रहा मतलब 25 फीट दूरी से बे सोयाबीन अकोली रहा मैं कही कीधु कि मैं दो मिनट भारा कर लो न फते भरा चाला यूँ बादा पालो जो मारे मारे लाड़ी कहूँ पही रे कही वहाँ बाद में दे क्यों आयु माते जीतरो पड़ गयो अभी कहीं करो फादा मैं कहो तुम तू लट लेना पहले माते छोड़ दू क्या फादा मारे मम्मी रे माथे पड़ गयो फिर मैं लट लेने दौड़ियो जो लट उपाड़ियो यूँ लट उपाड़ियो तो फते बो थी एक 25 फीट दूर थी भाई रो अभी मू मार ज्या उठू मैं बही उठू तो ना बड़े खड़ी जो बता धीरे धीरे उन्हें खिसका तो खिसका लेने आए लेकिन वो भाड़ी रहो बड़े जो मतलब 30 फीट छेटी सो फते बटू ना मैं नौके बारी गाड़ी लेना आया गाड़ी में लेना मैं ये आया नहीं डायरेक्ट आ तू गड़ा में पड़ गयो बाकी बाकी कहीं नहीं कीधु डायरेक्ट डायरेक्ट अटैच हम लोग कीधो गला मस बड़ा इतना बड़ा बने खून निकली रो हाँ बना कई नाम है मांगी भाई नाम है मारे जहर नाम है किसी भाई यहाँ पर बड़ा तालाब है पहले बड़ा मदार मदार की पैंथर के हमले से यह नवी मौत है और अनुमान ये है कि ये ही वो आदमखोर पैंथर है जिसने झाड़ोल ब्लॉक के कीरट गांव में जो हमला किया था 8 सितंबर को एक महिला की जो है मौत हो गई थी उस हमले में। उसके बाद से लगातार सिलसिलेवार छाली ग्राम पंचायत के उंडीथल गांव में देवड़िया गांव में उमरिया गांव में मजावद के कुड़ौ गांव में और बगड़ुंदा के गुजरो का गुड़ा गांव में एक महिला की मौत हुई। उसके बाद मदार ग्राम पंचायत के ही राठौड़ा का गुड़ा में विष्णुगिरी की मौत हुई थी और विजय बावड़ी ग्राम पंचायत के केलो का खेड़ा में कमला कुंवर की मौत हुई थी। तो इस प्रकार से अब तक 9 मौतें इस पैंथर के हमले से हो चुकी है। जिस तरह के हमले अब तक होते आए हैं उससे अनुमान यही लगाया जा सकता है कि ये वही पैंथर है जो लगातार अब तक लोगों पर इंसानों के ऊपर हमले करता आया है और आज के इस हमले से 2 महिलाओं में से एक महिला की मौत हो चुकी है। 400 से अधिक पुलिस कर्मी वन विभाग के लोग पंचायत राज विभाग के लोग और सेना के जवान तक सर्च ऑपरेशन चला कर इस पैंथर को पकड़ने के प्रयास कर चुके हैं लेकिन किसी के भी हाथ ये पैंथर नहीं लगा है। आपको बता दें कि राठौड़ो का गुड़ा गांव में वन विभाग ने 87 ट्रैप कैमरे लगा रखे हैं जंगल के अंदर लेकिन ये किसी भी कैमरे में ट्रैप नहीं हुआ है। वन विभाग ने 4 सीसीटीवी कैमरे लगा रखे है हाई विजन नाइट विजन बड़े सीसीटीवी कैमरे लगा रखे हैं लेकिन उनमें भी ये कैद नहीं हुआ। कुछ कुछ लोगों को जरूर ये कहीं कहीं दिखाई देता रहा है लेकिन ये इतना चालाक हो चुका है कई जगह पे पिंजरे लगाए गए 7 पिंजरे लगाए गए उनके अंदर बकरे रखे गए मांस रखा गया मछली की गंध वाला पानी छोड़ा गया यहाँ तक कि मानव रक्त तक वहां पर डाला गया और पिंजरों के अंदर मानव को बिठाया गया लेकिन ये पैंथर पिंजरों के पास में नहीं आया और अंततः आज 14 दिनों के बाद में फिर से इसने बड़गांव थाना क्षेत्र के मदार गांव के पास में 2 महिलाओं पर जो है अटैक कर दिया। ये पैंथर जो है सरकार के लिए बड़ी चिंता बना हुआ है। इसने वन विभाग से लेकर कई विभागों के अधिकारियों के नाक में दम कर रखा है। वाइल्ड लाइफ के एक्सपर्ट भी इसकी प्रकृति को अभी तक नहीं समझ पाए हैं। कई विशेषज्ञों का ये मानना था कि ये पैंथर आदमखोर इसलिए हुआ है क्योंकि ये पागल हो चुका है। कहा जा रहा था कि ये पैंथर जो है रेबीज का मरीज है इसलिए ये लोगों पर हमले कर रहा है और उनके शव को छत विक्षिप्त कर रहा है। ऐसा माना जा रहा था कि रेबीज का बीमार होने से ये कुछ दिनों में मर जाएगा। यहाँ तक कि ये भी माना जा रहा था कि विगत 14 दिनों के अंदर ये मर चुका है लेकिन पैंथर अभी जिंदा है और ये लगातार अटैक करता जा रहा है। इसके अटैक से लोगों में भारी दहशत है। अब ये उदयपुर शहर के आसपास के गांवों के लोगों के लिए चिंता का विषय है। यहाँ के लोगों को सावधान रहना चाहिए। कविता थूर मदार गोडान कला गोडान खुर्द मदार ऐसे जो तमाम गांव हैं इन गांवों के लोगों को सचेत हो जाना चाहिए। आप जंगल में अकेले मत निकलिए। अब पैंथर कभी भी किसी पर भी हमला कर सकता है। आगे के
चार दिन बहुत खतरनाक रह सकते हैं। पिछला जो इसका ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो ये दूसरे और तीसरे दिन में हमेशा हमला करता रहा है। 20 सितंबर को जिस दिन इसने विष्णुगिरी पर हमला किया था, दूसरे ही दिन कमला कुंवर का शिकार किया था। इसलिए आप आज इस वीडियो को जब देख रहे हैं तो आगे के 3 दिन तक सावधान रहिए और विभाग के लोगों को भी अब तुरंत जो है एक्शन लेना चाहिए। और अब मदार के आसपास में देखिए, मदार लेक अपने आप में इतना बड़ा है, मदार का तालाब बहुत बड़ा है और मदार के आसपास में सघन जंगल है। राठौड़ों का गुड़ा से भी विपरीत स्थितियां यहाँ पे है। अरावली की बड़ी बड़ी पहाड़ियां हैं, जंगल है, पेड़ पौधे हैं। ऐसे में यहाँ पर चौकन्ने रहकर और त्वरित कार्रवाई वन विभाग को यहाँ पर करनी चाहिए। ग्रामीणों की सूचना के बाद में वन विभाग और पुलिस की टीमें मदार पहुंच चुकी है। इस पैंथर को पकड़ना इन सब विभागों के लिए बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है। अब देखना ये होगा कि इस चुनौती को ये सब विभाग मिलकर पार पा पाते हैं या नहीं।